मुगलाना इस विषाद का कारण कई रात्रियों से पूर्ण ध्यान में मेरे विचार मेरी माता की ओर चले जाते। जब मैं बच्चा था तब जाने अनजाने में मैंने उसे कष्ट पहुंचा, परंतु मेरे विषाद का कारण यह नहीं है। उसके जीते जी मैं कुछ न कर सका, परंतु उसकी मृत्यु के बाद कुछ कर सकूं ताकि उसकी आत्मा को शांति आए। हर बार मैं ध्यान में देखता हूं माते। इस दृष्टांत ने मुझे बहुत व्यथित कर रखा है बुद्ध, इसका क्या अर्थ है? मुगलाना, जब तुम्हारी माता श्री जीवित थी तो क्या उन्होंने बुरे कृत्य किए थे? वचन से, कर्म से, विचारों ने, मेरी माता ने सिर्फ कांटे ही बोए। मैं अपनी माता के दुष्परिणामों को कैसे पलट सकता हूं? जैसी भी थी तो मां ही, मैं उस मां के ऋण को कैसे चुकाऊं? अपनी करुणा से मुझे कोई राह दिखाइए। तुम्हारी माता के दुष्प्रवृत्तियों के बाद भी उनके प्रति तुम्हारा स्नेह देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ मुगलाना। माता पिता का ऋण तो आकाश के समान है, दिन हो या रात हर मनुष्य को उस ऋण का सदैव स्मरण होना चाहिए। माता पिता को सच्ची श्रद्धांजलि है कि अपने जीवन को आनंद और संस्कार से जियो, सत्कर्म करो और अपने पुण्यों को माता पिता को समर्पित कर दो। तुम्हारा जीवन तो ऐसा ही है मुगलाना, तुम सेवा, समर्पण, शांति का आदर्श जीवन जी रहे हो। यदि तुम अपने पुण्यों को अपने माता पिता को समर्पित करोगे तो उनके पाप भी कम हो जाएंगे। धन्य हो हमें पवर्ण दिवस पर तुम और संघ के सभी भिक्षु तुम्हारी माता के रूपांतरण के लिए प्रार्थना समर्पित करेंगे। गहन ध्यान और शुद्ध मन से की गई प्रार्थना में बहुत शक्ति है मुगलाना, वो तुम्हारी माता के सभी पापों को गला देगी, उन्हें धर्म की राह पर ले आएगी। हम एक मुक्ति समारोह करेंगे जहां संघ के सभी भिक्षु अपने माता पिता के रूपांतरण के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वो जीवित हो या मृतक। करुणा के सागर है, सबके लिए निरंतर चिंतन। एक दिया असंख्य दियों को प्रज्वलित करता है मुगलाना, उससे दीपक का प्रकाश घटता नहीं अपितु और बढ़ता है, आनंद बांटने से बढ़ता है। महाराज, मैं ये क्या सुन रहा हूं? आप बुद्ध के अनुयायी बन गए हैं, घोर अनर्थ। अच्छा होता यदि मैं यात्रा पर ना जाता। आप ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? आप अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? क्षत्रियों का धर्म आपके लिए सर्वोपरि है। आपका कर्तव्य है भगत की सीमाएं बढ़ाएं, चक्रवर्ती सम्राट बने। मैं अपना कर्तव्य भली भांति जानता हूं कुलगुरु। लगता है बुद्ध ने आपको भी भ्रमित कर दिया है। सम्मान शक्ति है उसके पास,
आपके पिता की तरह आपको भी भ्रमित कर रहा है। कृपया कर बुद्ध पर झूठे लांछन ना लगाएं। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। बुद्ध ने केवल ऐसी बातें कही हैं जिससे अनेकों प्रश्न उठ रहे हैं, परंतु उत्तर नहीं मिला। जैसे? जैसा कि यह संसार शाश्वत है या नश्वर, सृष्टि सीमित है या अनंत, शरीर आत्मा दो है या एक, मृत्यु के पश्चात हमारा अस्तित्व रहता है या विनाश हो जाता है। मैं इन किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा कुलगुरु, ये सब आपकी बुद्धि की उपज है। बुद्ध ने कभी भी अपने उपदेश में इन बातों को तनिक तूल नहीं दिया। यदि शाश्वत प्रश्नों का बुद्ध के पास स्थूल नहीं है तो वो किन विषय पर उपदेश देते हैं? उनके प्रवचनों का हमें क्या लाभ? बुद्ध कहते हैं कि अपने शरीर, अपनी श्वास को साधो, उससे अपने अंतर्मन को छिन्न भिन्न करती विभिन्न भावनाओं को समझोगे, दुख और संताप पर विजय पाओगे। जीवन की छोटी छोटी अनेक लहरों के थपेड़ों में सजग और ध्यानपूर्ण जियोगे। बुद्ध जीवन से मुंह मोड़ने को नहीं कह रहे, चेतना से जीने को कह रहे हैं। कुलगुरु, जीवन इन्हीं छोटी छोटी बातों का बहुमूल्य रत्न कोश है, ना कि बड़ी सैद्धांतिक बातों का। छोटे छोटे लोग छोटी छोटी खुशियों के साथ जीते हैं, परंतु आप तो सम्राट हैं। आपका स्तर इस मगध में सबसे सर्वोपरि है। तर्क का विचार भी मनुष्य बुद्धि की उपज है। लगता है महाराज आप विनाश की ओर जा रहे हैं। एक क्षत्रिय होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हैं आप। क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये अंतर भी मनुष्य बुद्धि ने पैदा किया। मुझे बुद्ध के चरणों में शांति मिली। महाराज, यदि आपको शांति चाहिए तो मैं इसके कई उपाय आपको बता सकता हूं। आपसे केवल मुझे अशांति ही मिली है कुलगुरु, आप क्या मुझे शांति देंगे? आपकी बातों में मैं अपने धर्म परायण पिता की मृत्यु का कारण बना। आंखें मूंदता हूं तो महाराज बिंबिसार की प्रेम भरी मूरत चुप चुप कर मुझे निहारती दिखाई देती है। न रातों को नींद है न दिन को चैन है। क्षमा करिए महाराज, एक ब्राह्मण हूं, सत्य कहने से संकोच नहीं करूंगा। इस विषाद का कारण पितृ हत्या का पछतावा नहीं, अम्रपाली के भिक्षुणी बनने का आघात पहुंचा है आपको। कुलगुरु, लगता है बुद्ध ने आपको यही सिखाया है। मगध के लोगों को आपसे बहुत सारी आशाएं थी, परंतु आप हमारा ही दमन कर रहे हैं। चलिए ऐसा ही सही, हम इसके लिए भी तैयार हैं। महाराज, आप में ये परिवर्तन देखकर मैं हैरान। अजात शत्रु की उठी हुई तलवार बिना वार किए आज नीचे कैसे झुक गई? मुझे कुलगुरु की हत्या करने में तनिक संकोच न होता, किंतु यदि ऐसा करता तो मेरे गुरु बुद्ध का अपमान होता। बड़े ऊंचे स्वर में बोल कर गए हैं कुलगुरु। कोई मुझे कितना भी उत्तेजित क्यों ना कर ले, मैं अब कभी हिंसा के मार्ग पर नहीं जाऊंगा। जो मार्ग मेरे गुरु दिखाएंगे उसी मार्ग पर चलूंगा। बुद्ध, प्रणाम। आपके परम भक्त सुद्धत की पत्नी पुण्यलक्ष्मी आई है।
क्या हुआ बहन? और सूदत कैसा है? प्रभु, आपके परम सेवक सूदत अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मृत्यु के भयंकर क्षणों में उनका मन केवल आपकी ओर मुड़ रहा है। कृपा करें प्रभु, कृपा करें। हम तो सांसारिक है, किंतु मेरे स्वामी ने आपकी सेवा में सदैव अपने आप को न्यौछावर किया है। उनको अंतिम सांसों में अपने दर्शन दीजिए प्रभु, अपने दर्शन दीजिए। सूदत ने निस्वार्थ भाव से मेरी और मेरे भिक्षुओं की सेवा की, निर्धनों को दोनों हाथों से धन बांटा, हमारे लिए विहार का निर्माण कराया। ऐसे दिव्य व्यक्ति के दर्शन पाने को मैं स्वयं जाऊंगा। वो आएंगे ना, मेरे प्राण छटपटा रहे उनके एक दर्शन के लिए। देखिए तो स्वयं बुद्ध आए हैं। बुद्ध, मेरी अंतिम इच्छा थी कि आपके दर्शन कर सकूं। कैसे ना आता सूदत, तुम्हारे प्रेम और सेवा ने तो मुझे तुम्हारा ऋणी बना दिया है। इतने उद्विग्न क्यों? क्या मृत्यु से भय लग रहा है? बुद्ध, भय तो लग रहा है, पर आपको देख लिया तो मन में हिम्मत बन रही। डरो मत सूदत, आज तक तुमने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा की, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। जैसा मैं कहता हूं केवल उस ओर ध्यान धर। मृत्यु का सामना करने का साहस स्वयं तुम में जगेगा। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान धरो। मैं ये आंखें नहीं, मैं ये आंखें नहीं, मैं ये कान भी नहीं, मैं ये कान भी नहीं, मैं जिह्वा भी नहीं, मैं जिह्वा भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मैं ये चित्त भी नहीं, मैं ये चित्त भी नहीं। ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान केंद्रित करो सूदत, अपनी आंखें बंद करो। जो मैं देखता वो मैं नहीं, जो मैं सुनता हूं वो मैं नहीं, जो गंध आ रही है वो मैं नहीं, जो स्वाद स्पर्श विचार उठ रहे हैं उन सब में भी मैं नहीं, जो मैं देखता हूं वो मैं नहीं, जो मैं सुनता हूं वो भी मैं नहीं हूं, जो गंध आ रही है वो भी मैं नहीं, जो स्वाद स्पर्श और विचार उन सब में मैं नहीं। मैं ये दृष्टि नहीं, ध्वनि नहीं, सुगंध नहीं, विचार नहीं,
स्वाद नहीं, मन नहीं, सुगंध नहीं, स्पर्श नहीं, मन नहीं। आगे बोलिए बुद्ध। मैं पृथ्वी तत्व नहीं, मैं आकाश भी नहीं, मैं वायु भी नहीं, मैं जल भी नहीं, चेतना तत्व में भी मैं नहीं। कोई तत्व मुझे जकड़ नहीं सकता, जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकते। मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि ना मैं जन्मा हूं ना ही मैं मर सकता हूं। ना जन्म ने मुझे जीवन दिया और ना ही मृत्यु मेरा जीवन मुझसे छीन सकती। जन्म और मृत्यु पर मेरा अस्तित्व ना निर्भर था ना निर्भर है। क्या हुआ सुदित, ध्यान नहीं लग रहा? ध्यान तो लग रहा है प्रभु, आपके एक एक शब्द उसकी बूंद की तरह मेरे अंतर मन में गिर रही। मैं तो केवल इसलिए रो रहा हूं कि इतने वर्ष मैं आपके समीप रहा, आपके दर्शन पाए और अंतिम समय में आपके वचन समझने का मुझे अवसर मिला। धन्य है बुद्ध, धन्य है आप। आपने मृत्यु के भय से जिसने मेरे प्राणों को जकड़ लिया था उसे मिटा दी। अब इस संसार से विदा होते हुए आखिरी क्षण तक मैं केवल आपको देखना चाहता हूं। महाराज, ये दोनों व्यापारी आपके समक्ष एक विनती लेकर आए। ये लोग विज्जी व्यापार के लिए जा रहे हैं, रास्ते में वन पड़ता है, वन से निकलने के लिए इन लोगों को सुरक्षा चाहिए। विज्जी में कोई नया उपद्रव शुरू हुआ है क्या? हाँ महाराज, पिछले कुछ माह से छोटी छोटी टुकड़ियों में लुटेरे आते, चाकू कटार से वार करके यात्रियों का माल लूट लेते और जंगल में ओझल हो जाते। उसके कुछ ही दिनों बाद वही लूटा हुआ माल विज्जी की मंडियों में ले जाकर बेच दिया जाता है। सेनापति, एक कार्य कर, हमारे कुछ गुप्तचरों को साधारण नागरिक की वेशभूषा में विजी में भेजो। उनसे कहो कि वो वहां इस टोली के गठन की सभी सूचना एकत्रित करें। हम सही समय पर उन्हें पकड़ दंडित करेंगे। जो आज्ञा महाराज। इस कार्रवाई में थोड़ा समय लगेगा पर आप निसंकोच विजी जाएं। आपके साथ हमारी सेना की सुरक्षा रहेगी। हमारी सेना को आपके साथ देख वो आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। सेनापति, हमारे दो सेना नायक सेना बल की दो टुकड़ियां लेकर इन व्यापारियों के साथ जाएंगे।
मित्र, हम ये सोच रहे थे कि हमने ये क्या जीवन पाया है। एक सेना नायक होने का अर्थ होता है देश की रक्षा के नाम पर मानव हत्या करें। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। महाराज, अजात शत्रु का अनुमान गलत है। विजी के लुटेरे बहुत बेधड़क हैं। वो हमें देखकर भय से डरकर भाग नहीं जाएंगे। वो अपनी सत्ता जमाने के लिए हमसे युद्ध लड़ेंगे और हमें ना चाहते हुए उनका वध करना पड़ेगा। इसके पश्चात ये व्यापारी धन कमाने के लिए जुट जाएंगे और मानव हत्या के पाप का बोझ ढोने के लिए हमें छोड़ दिया जाएगा। सत्य कहा आपने मित्र, अब हमें ये पाप का बोझ उठा के लगता है पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग नहीं नर्क मिलेगा। महाराज ने तो मुक्ति का मार्ग खोज लिया है और स्वयं बुद्ध के अनुयायी बन बैठे। इतने सारे पाप करने के बाद भी वे मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, तो क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? सत्य कहा, महाराज ने तो पंचशील के सिद्धांतों का पालन कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया और हमें हिंसा के मार्ग पर भेज रहे हैं। आप अपनी जगह सही हैं, पर जब तक हम सैनिक हैं, हम महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये देशद्रोह कहलाएगा, इसलिए हमें कोई और मार्ग ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें मुक्ति मिल सके। एक मार्ग है, यदि हम बुद्ध के अनुयायी बन जाएं, तो कोई हमें हिंसा के मार्ग पर जाने के लिए विवश नहीं करेगा। ये सही रहेगा, आज ही हम दीक्षा लेकर भिक्षु बन जाएंगे ताकि आने वाले जीवन में हमें भी मुक्ति मिल सके। चलिए। क्या हुआ सरिपुत्र? क्या मैं चिंता का कारण जान सकता हूं? बुद्ध, मेरी मां बहुत दिनों से अस्वस्थ है। मेरे गांव नाला में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। यदि आप आज्ञा दें तो। इसमें आज्ञा कैसी सरिपुत्र? मां की सेवा से उत्तम कोई और कार्य नहीं। सेवा भी एक विशेष अवसर है सरिपुत्र। यदि सच्चे हृदय से सेवा की जाए तो उसमें भी ध्यान साधा जा सकता है। कोई वचन जिससे मेरी मां को शांति मिले? मन और शरीर के स्वास्थ्य का रहस्य है कि जो बीत गया उसका ना शोक मन में और ना ही आने वाले कल की चिंता। जिस क्षण में हो, जो क्षण तुम्हें मिला है, जो तुम्हारे समक्ष है, उसी क्षण को पूर्ण ध्यान पूर्वक और पूर्ण समझ द्वारा जी लो। ऐसा प्रतीत हुआ कि आपसे बहुत दूर जा रहा हूं। अब अपनी चिंता व्यथा शोक ले आपके पास आते हैं, आप इन्हें धीरज बांधते थकते नहीं। यदि तुमने पूर्ण हृदय से स्वयं से प्रेम किया है तो तुम किसी को दुखी नहीं देख सकोगे। बुद्ध, बहुत से ज्ञानी देखे पर आप सा कोई ना देखा। आजाद शत्रु, चाहे जितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, उन्हें चाहे जितना भी कंठस्थ करो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो सोचना कुछ नहीं हुआ। तुम भी किसी दुविधा में दिख रहे हो आजाद शत्रु। बुद्ध,
आप तो मन की बात पढ़ लेते। मगध के कुलगुरु ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनकी सहायता मगध के लिए आवश्यक है। परंतु तुम मेरे अनुयायी बने, इससे वो क्रोधित है। जी बुद्ध, हम एक मत से कार्य नहीं कर पा रहे। मगध के कुलगुरु और मगध के ब्राह्मणों के साथ मेरे संबंध में कटुता आई। ये मतभेद बढ़ते गए तो दो पातों की लड़ाई में मगध की प्रजा व्यर्थ ही पिस जाए। यदि तुम्हारे अंतर में मतभेद को मिटाने की आस्था है तो मेरे पास एक उपाय है अजात शत्रु। कृपया बताएं। पहला, दोनों पक्ष आमने सामने बैठ सबके समक्ष ये बताएं कि विवाद क्या है। दूसरा, याद करें जब द्वंद उठा तो वो शुरू कहां से हुआ था, और दोनों ही पक्ष ध्यान में जा उन बातों को याद करें और फिर शांति से एक दूसरे को सुनाएं। तीसरा, हाथ नहीं मन के भाव उपजे कि इस झगड़े को कैसे समाप्त किया जाए। चौथा, यदि कोई भूल हुई है तो सर्वप्रथम स्वयं की भूल को स्वीकार कर खुद को क्षमा करें। अपनी भूल स्वीकारने से हम दूसरों को समझने की चेष्टा में पहला पग उठाते। सत्य कहा बुद्ध। पांच, जो जो भी निर्णय लिया जाए वो सर्वमाननीय हो, उसे सबके समक्ष तीन बार पढ़ा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति आपत्ति के लिए हाथ ना उठाए तो उसे अंतिम निर्णय समझा जाए। छह, जो सर्वमाननीय है उस पर दोनों पक्ष पूर्ण मन से चल एक दूसरे से मैत्री करें। सातवां, जब हमारे कपिलवस्तु में किसानों में झगड़ा होता है तो उनमें जो सबसे वृद्ध किसान है, जिसका सब सम्मान करते हैं आदर करते हैं, वो कहता है शत्रुता समाप्त करो, मिट्टी डालो, पुआल डालो, ये बहुत सूचक है अजात शत्रु। मिट्टी डालने से अग्नि बुझती है, कीचड़ पर पुआल डाल उस पे चल रास्ता बनाया जा सकता है। एक दूसरे के समीप आने का कितना सुंदर उदाहरण है ये। बुद्ध, आपके ये सूत्र विश्व में शांति की क्रांति लाएंगे। जब जब धर्म का विघटन होगा, जब जब दो पक्षों के हृदय में दीवार खड़ी होगी, आपके ये वचन उस दीवार को ढहा देंगे। मैत्री और सामंजस्य विकसित होगा। कुलगुरु, हमारे बीच के मतभेद के कारण मगध का कार्य बाधित हो, यदि हम प्रेम पूर्वक अपने मतभेद को दूर कर लें तो सबका भला हो। महाराज, मैं हृदय से आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। इन मतभेदों को दूर करने के लिए हम सात नियमों का पालन करेंगे। सात पग हैं, जिन्हें हम मिलके उठाएं तो सभी समस्या का समाधान हो सकता। पहला पग है। परंतु महाराज, ये सात नियम किसने बनाए हैं? स्वयं बुद्ध ने। क्या, बुद्ध ने? किंतु महाराज, हम बुद्ध के बनाए नियमों को क्यों माने? क्या वो कोई न्यायाधीश है? ये तो हद हो गई, हद हो गई, ये हद हो गई। ये तो महाराज, यदि हम बुद्ध के बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे तो हम में और बुद्ध के अनुयायियों में क्या अंतर रहेगा? यही अंतर तो दूर करना। महाराज, बुद्ध ने जो परम सत्य का मार्ग पाया, उसकी मूल जड़ में हम ब्राह्मणों का खंडन है। वो हमारी भावनाओं का अनादर करता है, वो हमारी संस्कृति का आदर नहीं करता। फिर वो तटस्थ
नियम कैसे बना सकता है? बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। बुद्ध ने कभी भी ब्राह्मणों के लिए कोई अपशब्द नहीं कहे। अंधों की पट्टी पहना जिस जनमानस को वर्षों से ठगा गया, केवल उसकी आंखों से अज्ञान की पट्टी उतारी। मनुष्य द्वारा निर्मित अंतर और भेदभाव जिसकी आड़ में मानव ने मानव का शोषण किया, उसे मिटाया है। यही परम सत्य। आप सब धन और ऐश्वर्य में जी रहे हैं। इससे पहले कि आप बुद्ध की गरिमा पर उंगली उठाएं, मैं आपको यह बता दूं कि मैंने स्वयं अपना राजमुकुट बुद्ध के चरणों में रखा था, किंतु बुद्ध ने वो भी लौटा दिया। सत्ता की, बल की लालसा बुद्ध को छू नहीं सकती, वैसे ही जैसे दुर्गंध भरी वायु बुद्ध के समीप नहीं आ सकती। वो राजाओं के राजा हैं जो सब त्याग निर्धन बने, उनमें अधिक आत्मिक शक्ति है कि हम सब में। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। आपने हमें वचन दिया, हमारी रक्षा ना की महाराज। व्यापार के लिए वीजी जाते हुए हमें लूटा गया, हमें मारा और जख्मी भी किया गया महाराज। तो आपकी सुरक्षा के लिए हमने सेना की टुकड़ी भेजी, पर आपके सेना नायक हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है महाराज। केवल 5 सैनिक हमारी तरफ से लड़े, पर वो भी उन लुटेरों ने मार दिया उन्हें। सेनापति जी महाराज, ये क्या सुन रहे हैं हम? हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ है। क्षमा महाराज, हमें भी इस सदन से पहले ही ये समाचार मिला कि हमारे दोनों सेना नायक दीक्षा लेकर भिक्षु बन गए। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम भी अपने महाराज अजातशत्रु की तरह वंशीलता का पालन कर अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। महाराज, यदि हमारे सैनिक साधु बनते रहे तो घोर कष्ट आ जाएगा। मेरा बुद्ध से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, बस यही कारण है। बुद्ध को क्षत्रिय होकर ब्राह्मण बन गया। यदि क्षत्रिय ब्राह्मणों का आचरण करेगा तो सारी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। सेना के सैनिकों को कैसे दीक्षा दे सकता है वो? भविष्य की तरफ देखिए। यदि ये मगध के सारे सैनिक भिक्षु बन जाएंगे तो मगध की रक्षा कौन करेगा? गुरुदेव, कुलगुरु का कथन चिंता योग्य है। यदि रक्षा करने वाले हथियार डाल दें तो रक्षा करेगा कौन? मेरे विरोधियों ने इस बात को तूल दे नई चाल चली। ये विवाद खड़ा हो गया है कि भिक्षु सैनिकों को भैला फुसला संघ में सम्मिलित कर रहे हैं। बुद्ध, मेरी चिंता का कारण और विषम है। यहां तो मैं शासन कर रहा हूं, किंतु दूसरे देशों के राजा इन निर्दोष भिक्षुओं को दंड न दे। आपको शीघ्र ही इस समस्या का निवारण करना होगा बुद्ध। चिंतित ना हो अजातशत्रु, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कही अहिंसा की बातों की आड़ ले सैनिक अपना राजधर्म छोड़ दें, अपने देश, अपनी प्रजा, अपनी राजा के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उन्हें ना निभाएं। मैं आज ही अपने उपदेश में इस नियम को घोषित करूंगा कि कोई भी भिक्षु किसी भी सैनिक को दीक्षा ना दे। आनंद, सभी संघों में यह घोषणा पहुंचा दो। बुद्ध, अहिंसा का अर्थ मैं समझता हूं, किंतु मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। निसंकोच कहो आजाद शत्रु। राजा, सेनापति, सैनिकों का कर्म है अन्याय के विरुद्ध युद्ध करें। अपने राज्य के नियमों का राज्य की प्रजा से सख्ती से पालन करवाना। आप अहिंसा से करुणामयी हो, इन दुखियों की सेवा की बात करते हैं। क्या आप हमें अपराधियों को दंड देने की अनुमति देते हैं? क्या अपने राज्य के
अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध कर, क्या यह उचित है? एक बार की घटना है आजाद शत्रु, एक गांव में एक विषैला सर्प था, न जाने वो कितने लोगों को काट मृत्यु के घाट उतार चुका था। सभी गांव वाले उससे बहुत भयभीत थे। वो जिस वृक्ष के तने में रहता था वहां बच्चे खेलने से भी डरते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक भिक्षु वहां से गुजरा और उस वृक्ष की छांव में विश्राम करने के लिए बैठा। सांप उसे काटने के लिए बाहर निकला तो भिक्षु को उद्विग्न ना होते हुए देख सर्प अचंभित हुआ। भिक्षु ने उसे उपदेश दिया कि तुम्हारे काटने से, तुम्हारे लोगों को क्षति पहुंचाने से उन्हें बहुत पीड़ा होती है, उनके प्राण भी चले जाते हैं। सर्प में वैराग्य जागा, उसने निश्चय किया कि वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा, किसी को नहीं काटेगा। और सर्प को अहिंसक देख गांव में लोग धीरे धीरे निर्भीक होने लगे। कोई उसे छेड़ता, बच्चे अकारण ही उसकी पूछ पर अपना पैर रखते, लेकिन वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाता था। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते किंतु फिर भी वो पलटकर वार नहीं करता था। भूख और पीड़ा से वो क्षीण हो गया था। रात्रि में कुछ कंकर पत्थर खा लेता और अगले दिन आक्रमण का सामना करता। वो सर्प इतना घायल हो गया था कि गांव वाले उसे रस्सी से अधिक नहीं समझते थे। और फिर उस मार्ग से पुनः वो भिक्षु गुजरा। जब उसने सर्प की ये दुर्दशा देखी तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने सर्प को औषधि लगाते हुए पूछा कि तेरा ये हाल कैसे हुआ? तो सर्प ने कहा, मेरे मन में वैराग्य जागा और मैंने काटना छोड़ दिया। भिक्षु हंसा और उसने कहा कि मैंने तुझे काटने से मना किया था, किंतु तू अपने सर्प स्वभाव से कैसे विमुख हो गया? तूने पुकारना क्यों छोड़ दिया? किसी भी बात की अति, अहिंसा की भी अति, यदि ध्यान से देखोगे तो हिंसक बन जाती। दोषियों में तुम्हारा भय होना चाहिए, उन्हें उनके अपराध का दंड भी मिलना चाहिए, किंतु ध्यान रहे, न्याय देने वाला अपनी निजी कटुता के कारण उसे दंड ना दे, अपितु दोषी को उसके दुष्कर्मों और उसके अपराधों का दंड मिलना चाहिए। यदि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या बीच में आए तो न्याय ना होगा। बुराई को भलाई से जीतो, यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगे तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को परास्त करने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करो, किंतु उस युद्ध के कारण तुम स्वयं ना बनो। यदि करना पड़े तो केवल नियमित मात्र ही करो। बुध, आपके इतने सुंदर और महिमामय वक्तव्य ने मेरे हृदय से सभी अंधकार को दूर कर एक नई ज्योत प्रज्वलित की है। धन्य हुए भाग्य मेरे जो आप मेरे जीवन पधारे। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। कितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कितना ही उन्हें कंठस्थ कर लो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो समझना कुछ भी नहीं किया।